Very good morning students. I am your maths teacher and today I will teach you maths activity. In this activity today I will teach you number pattern. Now see here, study the pattern and complete the series. देखिए यहाँ पर कुछ pattern दिए हुए हैं, ये इस तरह से ये number pattern है, इनकी series हैं, ये यहाँ पे dash बना हुआ है, तो ये series को हमें स्टडी करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट टू नंबर्स लिखने हैं. तो चलिए हम शुरू करते हैं नंबर पैटर्न. देखिए फर्स्ट है हमारा टू नंबर है, उसके बाद फोर, तो देखिए टू के बाद फोर नंबर है, तो फोर नंबर में कितना ऐड हो रहा है, टू के बाद थ्री एंड फोर, यानी टू नंबर्स ऐड हो रहे हैं बच्चों. तो यानी कि टू के बाद हम यहाँ पे जब हम टू में टू प्लस करेंगे, देखिए इस तरह से टू में हम टू प्लस करेंगे तो फोर आ जाएगा. अब फोर के बाद सिक्स कब आएगा, जब इसमें हम फिर से टू प्लस करेंगे, फोर में फाइव सिक्स, यानी हमने कितना प्लस किया टू, तो हमने टू प्लस किया तो सिक्स आ गया. अब सिक्स में हम कितना प्लस करेंगे बच्चों, एट आएगा, सेवन एंड एट, यानी कि टू प्लस करेंगे तब हमें एट मिलेगा. यानी कि सिक्स से एट तक जाने के लिए हमें क्या करना है, प्लस टू. तो देखो हर बार हम कितना प्लस कर रहे हैं बच्चों, प्लस टू प्लस टू प्लस टू. अब एट के बाद यहाँ पे जो भी नेक्स्ट नंबर होगा वो हम कैसे लिखेंगे, इसमें हम कर देंगे प्लस टू, यानी एट और टू को क्या कर देंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा नाइन टेन. तो यहाँ कौन सा नंबर होगा बच्चों, टेन, तो यहाँ टेन लिख देंगे. इसी तरह से 10 के बाद यहाँ पे नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए हमें क्या करना है, देखो हम हर बार 2 प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम प्लस 2 करेंगे, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, तो यहाँ पर हम 12 नंबर लिखेंगे. तो इस तरह से ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है. अब नेक्स्ट सीरीज देखिए, फर्स्ट नंबर है 5 और फिर है 10, फिर 15 और ये 20. देखो बच्चों ये हम टेबल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और हम इनको नंबर ऐड करके भी कर सकते हैं. अब देखिए आपको 5 का टेबल आता है बच्चों, तो ये देखो ये 5 का टेबल भी लिखा हुआ है, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, 5 फोर जा 20, तो क्या आएगा फिर 20 के बाद, 5 फाइव जा 25, तो हम यहाँ लिखेंगे 25. देखिए मैं डिफरेंट नंबर से लिखती हूँ 25. अब 25 के बाद टेबल में क्या आता है, 5 सिक्स 30, तो हम यहाँ 30 लिख देंगे. तो ये तो हमने बच्चों टेबल के अकॉर्डिंग में हमने इसको सीरीज को कंप्लीट कर दिया. हम इसको कितने नंबर ऐड करने हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं. देखिए 10 5 के बाद 10 है, तो इसमें कितना प्लस हो रहा है 5, तो 5 5 नंबर हम प्लस करके भी इनको लिख सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट नंबर है, फर्स्ट है हमारा 1, 1 के बाद क्या आता है बच्चों 3, तो 1 के बाद हम कितना ऐड करेंगे, हम 1 में तो 3 मिलेगा, 2 3, यानी 2 नंबर हम प्लस करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा. यानी 1 से 3 तक जाने के लिए हमने कितना प्लस किया 2, तो यहाँ हम प्लस 2 लिख देंगे. अब 3 के बाद हम 5 तक जाएंगे, तो बच्चों 3 में हम कितना प्लस करेंगे 4 5, यानी 2 प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, यानी 3 में हम फिर से 2 प्लस करेंगे तो हमें 5 नंबर मिल जाएगा. अब देखिए 5 से 7 तक जाने के लिए, 5 के बाद 6 7, यानी 2 नंबर प्लस करना है तो हमें 7 मिल जाएगा, तो हम यहाँ प्लस 2 करेंगे. तो देखिए हर बार हमने कितना प्लस किया है 2, तो हमें 7 मिल चुका. अब 7 के बाद जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट नंबर लिखना है तो कितना प्लस करेंगे बच्चों, यहाँ नंबर लाने के लिए प्लस 2, तो 7 के बाद 2 प्लस करेंगे हम 8 9, तो यहाँ कौन सा नंबर होगा 9, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे. अब देखिए नेक्स्ट नंबर हमें एक नंबर अभी और लिखना है, तो 9 से यहाँ तक जाने के लिए अब हमें 9 में कितना नंबर प्लस करना है, देखो हर बार हमने कितना प्लस किया है 2, तो यहाँ भी हम 2 ही प्लस करेंगे,
तो 9 और 2 कितने हो गए, 9, 10, 11, तो नंबर कितना आया बच्चों, 11, तो हम यहाँ 11 लिखेंगे। तो ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट सीरीज है हमारी, ये है 10, देन 20, फिर 30, फिर ये 40। देखो ये 10 का टेबल लिखा हुआ है, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, फिर 10 5 50। तो यहाँ 50 लिखेंगे, फिर 10 6 60। ओके, तो इस तरह से हम इसकी 10 की टेबल को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो चुकी। अब नेक्स्ट सीरीज है हमारी, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 15, और ये है 13। ओ अब तो नंबर कम हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है। तो 15 में बच्चों कितना माइनस हो रहा है 13 तक जाने के लिए, देखो 15 से पीछे क्या आता है, 14, फिर 13, तभी 13 आएगा। तो 13 तक पहुंचने के लिए कितने नंबर कम किए हमने, 2 नंबर, तो हम यहाँ पर माइनस 2 करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे माइनस 2, यानी 15 में से हम माइनस करेंगे 2, तो हमें 13 मिलेगा। अब 13 से 11 तक देखिए कितने नंबर कम करने हैं हमें, 13 से पीछे क्या आता है, 12, देन 11, यानी कि 2 नंबर कम करने हैं, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, 11 तक। तो बच्चों देखिए 13 से 11 तक जाने के लिए फिर से हमें माइनस करना होगा 2 नंबर। अब 11 से 9 तक जाना है हमें, यानी कि बैक में जा रहे हैं हम, तो 11 से बैक में क्या होगा, 10 9, तब हम 9 तक पहुंचेंगे, यानी कि 2 नंबर। तो यहाँ 11 में हम फिर माइनस करेंगे 2, तब हम 9 तक पहुंचेंगे। तो देखिए हर बार माइनस कितना किया है हमने, 2 माइनस 2, यानी हम बैक में जा रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो अब 9 में से फिर से हम 2 कम कर देते हैं बच्चों, तो 9 में से हम 2 कम करेंगे, 8 7, तो कितना नंबर आ जाएगा, 7, तो हम यहाँ नंबर लिखेंगे 7, हमने 2 कम करा है। इसी तरह से अब ये 7 है, 7 से फिर हम यहाँ पर नंबर लिखने के लिए कितना माइनस करेंगे 7 में से बच्चों, 2, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 2। अब हम 2 स्टेप पीछे जाएंगे, 7 से पीछे 6 देन 5, तो कहाँ पहुँच गए हम, 5, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5। तो ये सीरीज हमारी क्या हो गई, कंप्लीट। अब इसी तरह से देखिए ये सीरीज है हमारी 6, इसमें क्या है, ये 10, फिर नंबर क्या है, 9। ओ कम हो रहा है, कितने नंबर हम पीछे गए बच्चों, 1, फिर 9 में हमने फिर 1 कम कर दिया, 8, फिर हमने 1 कम कर दिया, 7, तो कितने नंबर हम कम कर रहे हैं, 1 नंबर। तो देखो 10 से 9 तक जाने के लिए माइनस हमने 1 किया, फिर 9 से 8 जाने के लिए फिर से माइनस 1 कम किया, 8 में से हमने फिर 1 कम कर दिया, तो हम 7 मिल गया हमें। अब 7 में से हम फिर से कम करेंगे 1, यानी माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा बच्चों, 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। अब 6 में से यहाँ नंबर लिखना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, माइनस 1, यानी 1 नंबर हम कम करेंगे। तो 6 में से हम पीछे जाएंगे 1 स्टेप, 5, तो कौन सा नंबर होगा यहाँ बच्चों, 5। तो देखो ये हमारी क्या हो गई, सीरीज कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से आप पहले स्टडी को, जो पैटर्न है हमारा, उसे हम स्टडी करेंगे कि कितना नंबर हम मतलब प्लस हो रहा है, फिर वही नंबर हम उतना ही प्लस करके हम आगे के नंबर्स को लिखेंगे। अगर माइनस हो रहा है बच्चों, तो माइनस नंबर हम करेंगे और फिर आगे के नंबर हम लिखेंगे। तो ये था हमारा नंबर पैटर्न। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नंबर पैटर्न। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।